हे गाइज व्हाट्सअप, कैसे सब लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम लोग खेलने वाले माइनक्राफ्ट बट आई कैन क्राफ्ट ओपी स्ट्रक्चर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ, उसके बाद चेक कर लेता हूँ कि कैसे कौन सा स्ट्रक्चर्स क्राफ्ट होगा। तो हम लोग देख लेते हैं क्राफ्टिंग टेबल बना के कि कौन सा स्ट्रक्चर्स कैसे क्राफ्ट होगा। ये मैंने क्राफ्टिंग टेबल बना लिया, उसे प्लेस किया और मैं जा रहा हूँ देखने के लिए कि कौन सा स्ट्रक्चर्स कैसे बनेगा। तो मैं जल्दी से देख लेता हूँ कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो ये मैं देख रहा हूँ कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। नदर फोर्ट्रेस मेंशन विलेज डिजर्ट टेम्पल ओपी हट एंड सिटी वॉटर सिटी विलेज। तो गाइस अभी हम लोग विलेज बना सकते हैं, इसीलिए सबसे पहले हम लोग एक एक्स बनाएंगे ओक लॉग तोड़ने के लिए। जल्द से जल्दी हम लोग ये ओक लॉग तोड़ पाए, इसीलिए हम लोग एक वुडन एक्स बनाएंगे। वुडन एक्स बना क्राफ्टिंग टेबल को कलेक्ट कर लेता हूँ और जाता हूँ ओक लॉग को तोड़ने के लिए। तो मैं ये ओक लॉग तोड़ रहा हूँ, आप लोग देखिए टाइम लैप्स। तो मैंने ओक लॉग तोड़ लिया और मैंने क्राफ्टिंग टेबल प्लेस किया। सबसे पहले मैं एक चेस्ट बना लेता हूँ और सब विलेज फिर बना लूँगा। और सभी स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए मुझे एक एक चेस्ट चाहिए, इसमें मेन चीज़ चेस्ट ही है। तो मैं सबसे पहले विलेज का स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अरे प्लेस हो जा, हाँ हो गया प्लेस। अब मैं देख लेता हूँ कि इसमें क्या ओपी ओपी लूट मिली है। तो मैंने ये सारा लूट ले लिए और अगले स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए हम जाएंगे जो कि है डेजर्ट टेम्पल, क्योंकि सैंड हमें आराम से मिल जाएगा और उसे माइन करके हम लोग डेजर्ट टेम्पल बना लेंगे। तो चलिए हम लोग जाते हैं सैंड माइन करने और बनाएंगे डेजर्ट टेम्पल। मैंने देख लिया कि डेजर्ट टेम्पल बनाने के लिए क्या क्या लगता है। तो मैंने उड का उड का प्लैंक बनाया और एक आयरन शॉवल बनाया ताकि मैं सैंड को जल्दी से जल्दी माइन कर पाऊँ। तो मैं अब जा रहा हूँ सैंड को माइन करने के लिए। तो मैंने ये सैंड माइन किया, उससे सैंड स्टोन बनाया। मैं सैंड स्टोन बना रहा हूँ। तो मैंने सैंड स्टोन बना के क्राफ्टिंग टेबल में रखा और फिर मैंने ओक लॉग का प्लैंक बनाया, उसके बाद का चेस्ट बनाया ताकि मैं डिजर्ट टेम्पल का स्ट्रक्चर प्लेस कर पाऊँ। तो अब मैं डिजर्ट टेम्पल का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। तो मैंने डिजर्ट टेम्पल का स्ट्रक्चर बना लिया और मैं कहीं पे जाके इसे प्लेस करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे इसी को प्लेस करता हूँ। सबसे पहले इसका टीएनटी को मैं हटा देता हूँ ताकि वो ब्लास्ट ना हो जाए। तो मैं इसका सारा ओपी ओपी लूट ले लेता हूँ। उसके बाद मैं डायमंड से डायमंड का ब्लॉक का क्राफ्ट कर लेता हूँ ताकि मैं इसे ओपी हट बना पाऊँ। तो देखते हैं इसे कितना डायमंड का ब्लॉक मिलता है। तो भाई इससे हमें 7 डायमंड का ब्लॉक मिला, 1 डायमंड का ब्लॉक कम कर गया। तो मैं एक और डेजर्ट टेम्पल बनाने वाला हूँ ताकि मुझे 8 डायमंड ब्लॉक हो जाए और मैं ओपी हट बना लूँ। और इसमें मैं चेक करूँगा कि कौन सा ओपी चीज़ हमें मिलता है। मैं यहाँ पे प्लेस कर दिया और मैं इस चेस्ट का डायमंड ले लेता हूँ और उसके बाद मैं ओपी हट को डायमंड ब्लॉक बना के ओपी हट को मैं क्राफ्ट करता हूँ। तो मैंने डायमंड का ब्लॉक बना लिया और ओपी हट क्राफ्ट किया। तो मैं ये ओपी हट को प्लेस कर दिया और एक बॉब नाम का ज़ॉम्बी मेरा पीछा करने लगा, इसने मुझे दो बार मार दिया। यहाँ पे ब्लॉक प्लेस ही नहीं हो रहा था। तो दूसरी बार मैं फिर सीधा जाने लगा तो ऊपर मैं चढ़ा तो वहाँ पे ब्लॉक नहीं प्लेस हो रहा था। और ब्लॉक इस बार मैं ऊपर चढ़ के जल्द से ब्लॉक प्लेस कर दिया और मैंने लेवल 255 वाला चार्टेड वाला सारे टूल ले लिए और उस पॉप मार के जल्दी को मारने के लिए चला गया। मैंने फालतू के सामान फेंके लेकिन बाहर जाते समय वो वापस से कलेक्ट हो गए।
बॉब नाम का ज़ॉम्बी तो मेरे थॉ से ही मर गया और उसका आर्मर वार्मर भी मुझे मिल गया। अब हम लोग जाते हैं सोने के लिए, लेकिन उससे पहले कि आग मेरा बुझ ही नहीं रहा था, मैंने क्राफ्टिंग टेबल अपना कलेक्ट किया और उसके बाद चल गया उस विलेज हाउस में सोने के लिए। पता नहीं मेरा आग कब से बुझ ही नहीं रहा, मेरे को जो आग लगा सोने के लिए ताकि मैं अच्छे से देख पाऊँ कि क्या हो रहा है। तो मैं बैठ कर सोया, उसी समय उठ गया और देखा बाहर जाने को तैयार थी दिन नहीं हो। तो मैं दोबारा सोया और देखा कि दिन हो गया और आग बुझ गया। फिर मैंने चेक किया कि एरो कैसे बनता है, तो मैंने चेक किया सबसे पहले फॉर्चून वाले पिकैक्स से मैंने एक फ्लिंट ले लिया। उसके बाद मैंने मुर्गी का तलाश करने लगा। मैं मुर्गी का तलाश और मुर्गी को तलाश करते करते मुझे एक विलेज मिल गया। मैं तो विलेज में कुछ लूटूंगा नहीं, क्योंकि अब मुझे जल्दी से मुर्गी को मार के एक एरो बनाना है। तो मैं जल्दी से मुर्गी को मार के एरो बना लेता हूँ। उसके बाद मैं बो को भी यूज़ कर पाऊँगा ताकि मैं दूर से किसी किसी को मार पाऊँ। तो चलिए जल्दी से मैं एरो बना लेता हूँ और उसके बाद लावा पुल की तलाश में लग जाता हूँ। मैं लावा पुल की तलाश में सबसे पहले विलेज में गया तो मुझे मिला नहीं। मैं इधर उधर गया फिर भी मुझे लावा पुल नहीं मिला। उसके बाद मुझे उस विलेज का आयरन गोलम मिला, मैंने उस आयरन गोलम को छोड़ दिया। उसके बाद मैं सीधा चला गया ताकि मुझे आगे कोई आयरन मिले, मुझे नहीं मिला। तो मैंने केव में जाने का बोला जो मैं केव में जाऊँ, मुझे केव भी छोटा ही मिला, इसलिए मैंने माइन करके केव ढूंढने का सोचा और मैं माइन करते करते केव में गया। उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट वर्कर वाला बूट उतार दिया और मैं बकेट बनाने लगा। जब मैं बनाने के लिए गया तो मुझे पता चला कि मेरे पास आयरन नहीं है, इसलिए मैं गया सबसे पहले आयरन माइन किया और स्टील को स्प्लिट किया, सेल को सब लिक्विड किया। वहाँ पे एक आयरन का वो माइन किया जिसमें से बहुत सारे आयरन मिल गया। उसके बाद मैंने स्टोन माइन किया आयरन को स्मेल करता हुआ, जिससे मैं बकेट बना पाऊँ। मैं एक फर्नेस बनाया, उसके बाद आयरन को स्मेल कर दिया ओक लॉग से। उसके बाद ओक लॉग से तीन आयरन स्मेल नहीं है, तो मैंने अपना वुडन एक्स भी दे दिया उसे स्मेल्ट करने के लिए। फिर मैंने कुछ स्टिक्स भी किया आयरन को स्मेल्ट करने के लिए और जब तीन आयरन स्मेल हो गया तो मैंने अपना स्टिक और आयरन ले लिया और उसे बकेट बनाया और केक का अंदर चला गया ताकि मुझे लावा पुल मिल जाए, वाटर भी मिल जाए ताकि मैं वाटर थोड़ा ही मैं अंदर से लावा पुल मिल गया और वहाँ पर थोड़ा सा वाटर भी मिल गया। तो मैंने वो वाटर ले लिया और सारे लावा को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया। मैं इस ऑक्सीजन को माइन करके एक नेदर पोर्टल को क्राफ्ट कर पाऊँ। तो मैं सारे ऑक्सीजन को सबसे पहले माइन कर लेता हूँ और उसके बाद क्राफ्ट करता हूँ एक नेदर पोर्टल। तो जल्दी से मैं सारे ऑक्सीजन को माइन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अपना वाटर ले लेता हूँ और फिर मैं एक नेदर पोर्टल को क्राफ्ट करके उस नेदर पोर्टल को कम्प्लीट कर लूँगा और उसके बाद मैं जाऊँगा नेदर में। तो मैं एक नेदर पोर्टल बना लिया, उसे क्लिक किया, फिर मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल ले लिया और उसके बाद उसका सिस्टम से चेक किया, मुझे उसमें स्टील का स्टील मिल गया। तो मैंने मैं पोर्टल को ऑक्सीजन लगा के कंप्लीट किया, जहाँ जहाँ पर क्राइंग ऑक्सीजन था उसको मैं वहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिया और उसके बाद मैंने टेस्ट से तीन डैमेज के लिए नेदर पोर्टल को कंप्लीट कर दिया, उसे बीट कर दिया। उसके बाद मैं चला गया नेदर में और ढूंढने लगा नेदर रैक वाली बाथरूम ताकि मुझे नेदर रैक मिल सके और उसे स्मेल्ट करके मैं नेदर ब्रिक बना पाऊँ, जिससे मैं नेदर पोर्टल बना पाऊँ और ब्लेज मारकर ब्लेज रॉड कलेक्ट करूँ। उसके बाद मैं आई ऑफ एंडर बनाऊँ और एंडर ड्रैगन को मारने के लिए चला जाऊँ। उसके बाद मैंने नेदर ब्रिक वाला बायोम ढूंढा, तो मुझे थोड़ी देर बाद नेदर रैक वाला बायोम मिल गया। तो उसके बाद मैंने अपना बूट पहना और चला गया नेदर रैक वाली बायोम पे।
तो मेरे पहले नजरक वाली बायोपिक गया और इधर उधर थोड़ा गया, उसके बाद थोड़ा सा नजरक माइंड करके उसे स्मेल करने लगा। तो मैंने थोड़ा सा नजरक माइंड किया और फर्नेस में उसे स्मेल किया। तो मैंने फर्नेस प्लेस करके उसे स्मेल्ट करने कर दिया। तो मेरे पास स्मेल्ट करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं रेड वाला वुड काट के स्मेल्ट करने की कोशिश किया तो नहीं हुआ। तो उसका मैंने प्लैंक्स बनाया, प्लैंक्स बना के उसका मैंने स्टिक बनाया ताकि मैं उसे स्मेल्ट कर पाऊँ। तो उसके बाद मैंने स्टिक उसमें रख दिया और मैंने बनाने लगा नेदर ब्रिक, जिससे मैं नेदर ब्रिक बना पाऊँ और नेदर पोर्टल्स को क्राफ्ट करके ब्लेस को मार के ब्लेस को कलेक्ट कर पाऊँ। मैंने दूसरे फूल फेंके तो मैंने वो दूसरे फूल देखा जो कितना अब नेदर ब्रिक बाकी है नेदर पोर्टल्स को बनाने के लिए। उसके बाद मैंने वुड तोड़ के थोड़ा सा चेस्ट बनाया ताकि मैं आगे का स्ट्रक्चर क्राफ्ट कर पाऊँ और नेदर ब्रिक लेके नेदर का ब्रिक्स बनाया। और उसके बाद नेदर फोर्ट्रेस को बनाया और उसे टेस्ट कर दिया और ब्लेज से फाइट करने लगा ताकि मैं ब्लेज रोड कलेक्ट कर पाऊँ और नेदर एंड ड्रैगन को मारूँ। उस चेस्ट में मुझे सोल सैंड और तीन स्कल मिल गए थे और माइनक्राफ्ट वाले कहना चाहते थे कि इस बार वीदर को भी मार दो, तो मैंने उसे ले लिया ताकि मैं वीदर को भी मार पाऊँ। तो मैंने ब्लेज रोड कलेक्ट किया और चल दिया ग्रीन वाले बाइन को ढूंढने के लिए अपना क्राफ्टिंग केबल ले। तो थोड़ी देर बाद मुझे ग्रीन वाला बायोम भी मिल गया। उसके बाद मैं वहाँ पे एंडर मैन को ढूंढने लगा ताकि मैं एंडर पर्ल क्राफ्ट करके एंडर आई बना के स्ट्रॉन्ग होल्ड का स्ट्रक्चर बनाऊँ और उसके बाद मैं एंड में जाके एंडर ड्रैगन को मारूँ। तो ये मैंने एंडर मैन को मारा और मुझे एंडर पर्ल काफ़ी सारे एक ही बार में मिल गए। उसके बाद मैंने एंडर क्राफ्ट किया, मैंने उसके बाद आई ऑफ एंडर क्राफ्ट किया और ब्लेज रॉड से ब्लेज पाउडर बनाया। इसके बाद मैंने ब्लेज रॉड और एंडर पर्ल से आई ऑफ एंडर बनाया ताकि मैं एक स्ट्रॉन्ग होल्ड के स्ट्रक्चर्स को क्राफ्ट कर पाऊँ। उसके बाद मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल लिया इन्वेंटोरी से और नीचे प्लेस कर दिया ताकि मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के स्ट्रक्चर्स को क्राफ्ट कर पाऊँ। और मैंने उसके बाद स्ट्रॉन्ग होल्ड के स्ट्रक्चर्स को क्राफ्ट किया। उसके बाद मैंने स्ट्रॉन्ग होल्ड को स्ट्रक्चर्स को क्राफ्ट करके उसे प्लेस कर दिया ताकि मैं एंड में जाके उस एंडर ड्रैगन का खात्मा कर पाऊँ। उसके बाद मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल लिया और चला दिया एंड में। मेरे पास एक एंडर आई की कमी पड़ रही थी तो मैंने एक और एंडर आई क्राफ्ट किया और उसके बाद एंड पोर्टल को कंप्लीट करके मैं एंडर ड्रैगन को मारने के लिए चला गया। तो चलिए चलते हैं एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। उसके बाद मैं ब्रिज करके उस आइलैंड पे गया ताकि मैं एंडर ड्रैगन को मार पाऊँ और मैंने पूरा ये ब्रिज कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं ऊपर जा रहा हूँ और आप देखिए कि मैं कैसे एंडर ड्रैगन का खात्मा करता हूँ। तो मैं एंडर ड्रैगन के पास जा रहा हूँ धीरे धीरे क्योंकि स्पीड का तो सहारा नहीं, जो और तेज में जा पाऊँ। एंडर ड्रैगन को मैंने बहुत से मारने का ट्राई किया लेकिन मेरा निशाना बहुत कच्चा है, एंडर ड्रैगन को लग ही नहीं रहा था बहुत से। फिर एंडर ड्रैगन मेरी हाथ से बहुत से मारने लगा तो वो भी नहीं लग रहा था क्योंकि एंडर ड्रैगन जब नीचे आता तो बहुत नहीं लग रहा। उस पर एंडर ड्रैगन ने मुझे फायर किया और वो मेरे थॉट्स से ही मर गया। उसके बाद मैंने सोल सैंड लिया और वीदर का स्कल लिया ताकि मैं वीदर को स्पॉन करके वीदर को भी मार पाऊँ। तो मैंने वीदर को स्पॉन करना स्टार्ट कर दिया और ये बस तीन स्कल लगाने बाकी। मैंने तीनों स्कल को भी खराब कर दिया और उसके बाद वीदर स्पॉन कर लिया। मैंने पहले से वीदर पर एम कर लिया, मैंने सोचा कि मार कर दिया के बाद वीदर पता नहीं फ्रेंड्स के इंचार्ज से ही कितना दूर की चला जाता था। मैं वीदर का पीछा करके उसके पास वीदर को मारने के लिए गया ताकि वीदर मर जाए। ये
इधर से मैं जितना भी मार रहा था उसका डैमेज नहीं पड़ा तो मैं कंस्टेंट डैमेज खा के मार रहा था। उसके बाद मुझे वर्ड के अंदर जाना था धीरे धीरे पीछे जा रहा था तो मैं आगे जाके भी अब पिछले दो दिन आने लगा ताकि मैं रिजर्व का भी खात्मा कर पाऊँ। वार्डन का खत्म नहीं किया तो मैं रिजर्व को भी मारा, इधर और पीछे चला गया मैं और आगे जाके रिजर्व को मार रहा हूँ और उसके बाद रिजर्व का खात्मा हो जाता है। तो रिजर्व का खात्मा अब हो गया, रिजर्व का खात्मा होने वाला है लास्ट एरो और ये गए रिजर्व मार गया। तो चलिए अब इस वीडियो का एंड हुआ और मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैंने वीदर और एंडर ड्रैगन दोनों को भी मार दिया। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।